हेलो हेलो लियोज़, सो जान लेते हैं ना कि इस दिसंबर मंथ की जो रीडिंग्स है आप लोग के लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या आप लोग के लिए गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, परफेक्ट। सो देखो लियोस, जो मंथ की शुरुआत है, यू नो मंथ की शुरुआत में कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी तरफ से काम अपना करोगे, जो भी आपको यू नो अपने लिए सोचा है, आपने अटेन करने हैं गोल्स है, जो भी कह लो, सब बढ़िया चलते हुए दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो दो कार्ड्स की एनर्जीज दिख रही हैं, सबसे पहला जो कार्ड आया है द मलिक ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी कहा जाता है। देखो लाइफ में जो आपकी जर्नी है, जो भी आप कर रहे हो उसमें आगे आप बढ़ोगे, लेकिन ना स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस अब भी हैं लियोस। वो चैलेंजेस ऐसे वाले चैलेंजेस हैं जो यू नो आपकी जर्नी में ऐसा नहीं कि रुकावट दे देंगे या आप अटक जाओगे, नहीं, चलते बनोगे लाइफ में, आगे चलता रहेगा। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि तभी भी बीच बीच में आपको ना एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे अपने कामों में, एफर्ट मेहनत वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एंड आई थिंक दैट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जब तक काम नहीं रुक रहा एंड सब कुछ मूविंग है, बस आपकी मेहनत लग रही है, इट्स ऑल्सो फाइन। या एक ये फीलिंग रह सकती है मंथ की शुरुआत में बहुत से लियोस को, जहाँ पर उन्हें कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, वो कन्फ्यूज है भाई किस पाथवे में हम जाएँ, हमें क्या करना चाहिए। मेंटली थोड़ा सा प्रेशर एंड चीज़ों की ओवर थिंकिंग यहाँ पर बनी हुई दिखती है आप लोगों के लिए, ये पैटर्न देखा जा सकता है ना। विद दैट एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि मंथ की शुरुआत में जल्दबाजी में प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन लें ना। दिसंबर मंथ में जब जब पूर्णिमा या अमावस्या आएगी उस टाइम पर आपको लग रहा है आप चिड़चिड़े हो रहे हो, या अगर आप उन दिनों का अवेयरनेस रखोगे ना तो अपने आप ही उस टाइम पे कोई डिसीजन नहीं लोगे, किसी से बहस नहीं करोगे, फाइट नहीं करोगे, तो संभल जाएगा वक्त, तो ये ध्यान ज़रूर देना। अब अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई बड़े टाइम से ना चीज़ आपको पता है कि यार इसमें ना मेरे को डिसाइड करना है, बहुत हो गया कन्फ्यूजन में रह रहकर अपना, कोई ना कोई चीज़ मेरे को, ये जो भी मेरे को डिस्टर्ब करे इसका मेरे को आर या पार डिसीजन लेना है, तो वो दिसंबर मंथ में अपना टाइम लेकर वो डिसीजन कोशिश कीजिएगा सॉर्ट करने की। बिकॉज जब तक आप वो डिसीजंस नहीं लोगे आप स्टक रहोगे एंड वो फीलिंग आपको बार बार एक यू नो रुकावट वाली फीलिंग देती रहेगी, ये ध्यान देना। अब देखो उसके अलावा अगर कोई न्यू जॉब की तैयारी आप कर रहे हो, कोई भी नया बड़ा काम मंथ की शुरुआत में नहीं होगा, मंथ की शुरुआत में बहस झगड़ा आर्ग्यूमेंट को भी अवॉइड करना है। तो शुरुआती 7 से 10 दिनों तक थोड़ा सा जो एनर्जीज हैं वो स्लो रहेंगी, अपने ध्यान देना, बाकी रूटीन काम बढ़िया चलेगा एंड जो आपका नॉर्मल वर्क वगैरह का भी जो पैटर्न है एनर्जीज वो भी अच्छी रहेंगी। सिर्फ आपने अपनी स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखना है, ये माना जाएगा। उसके लिए आप योगा एक्सरसाइज यू नो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अब बात करते हैं भाई मिड मंथ में क्या एनर्जीज है। मिड मंथ में बहुत ही फायरी एनर्जीज आई हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज हैं, जो चाहोगे वो अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे, पॉजिटिविटी दिख रही है। मैं कहूँगी दिसंबर मंथ में लियोज अपने गोल्स लिख के रखो कि मुझे ये अचीव करना है, इतने दिन में करना है, ये हफ्ते में ये करना है, टू डू लिस्ट अपनी बना के रखो, उस हिसाब से काम करो। यहाँ पर मिड मंथ में आपकी हेल्थ बढ़िया होने वाली है, जॉब इंटरव्यू के लिए अगर कोशिश करो तो इस मंथ में काम बनेगा, पैसा आता हुआ दिखता है, बिजनेस व्यापार में अच्छी एनर्जीज है, एजुकेशन में एडमिशन कोई भी है, इंटरव्यू एग्ज़ाम सब कुछ बढ़िया। इस मंथ के मिड में अगर आपकी कोई डेट बनती है तो बहुत अच्छा है। अब अगर यू नो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि इस मंथ का जो मिड मंथ है ना ये बहुत पावरफुल है, चाहे आप टैरो की नज़र से देख लो, ग्रहों की नज़र से देख लो, एनर्जी की नज़र से, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ऑरा मजबूत होगी और यहाँ पर इस टाइम पे आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि यार जो भी है ना मेरी मेहनत के ऊपर सबको निर्भर करता है, जो कि सच बात है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो सिर्फ वो मैटर करता है, दैट्स इट। तो वो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहेंगी, सो दैट्स गुड। तो ये अभी भी देखो करियर सक्सेस के कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं,
लव रिलेशनशिप में भी आप ऐसे रहोगे, यार मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अब टाइम पास रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कोई मेरे को वैल्यू कर रहा है, मेरे को स्ट्रांग कमिटमेंट दे रहा है, मैं जितना सामने वाले को एनर्जी दे रहा है या दे रही हूँ मुझे भी सामने से उतने, तो भैया फेयर इनफ, तो हम भी उतना रखेंगे। आप कहीं पर भी मुझे नीडी पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हो लव रिलेशनशिप के भी मामले में। अब एंड ऑफ द मंथ जैसे जैसे आता है, तो देखो सबसे बेस्ट पार्ट तो मिड मंथ का है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम अगर बात कर लेते हैं एंड ऑफ द मंथ की तरफ, एंड ऑफ द मंथ की तरफ भी मैं कहूँगी ऑलमोस्ट एंड होने के लास्ट के 5 दिन को छोड़ दीजिए दिसंबर के, ऑलमोस्ट एंड होते होने के टाइम पर भी एनर्जी सेम रहेंगी मिड मंथ जैसी। जो भी आपके काम है, जो भी आपके सपने हैं उनको नरिश करोगे, जो भी आपके रिश्ते हैं उनमें आप एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, तो वो सारा पैटर्न आप लोग के लिए खूबसूरत और अच्छा दिखाई दे रहा है और आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो। सिंपल सी बात है, जीवन में इंसान ग्रो करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकावट और स्टक नहीं होना चाहिए। तो आप ज़िंदगी का कोई भी पहलू उठा लो, यहाँ पर एक मूवमेंट बनी हुई आप लोग के लिए आप देखोगे दिसंबर मंथ में, जो कि अच्छा है। कुछ नया सीखने का मन हो सकता है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकते हैं, दैट इज़ फाइन, वो सब के लिए भी आपको ग्रीन सिग्नल है, आप आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पर जो है ना सबसे लास्ट कार्ड आया है, ये है द कार्ड ऑफ हर्मिट। ये कार्ड हम कहते हैं शनि देव का एक बहुत ही स्पिरिचुअल एंगल से, शनि देव जब यू नो कृपा दृष्टि देते हैं या आपको विजडम देना चाहते हैं, आपको मैच्योरिटी देना चाहते हैं, तब ये कार्ड आते हैं, जहाँ पर इंसान को अकेलापन महसूस होता है एंड वो खुद से भी चाहता है कि भाई मेरे को अपना दुनिया को नहीं दिखाना है। एक आपके जीवन में आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी लाइफ का एक बड़ा पर्पस है, आप लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो, कुछ पर्पसफुल करना चाहते हो, बस एक डेली रूटीन वाली ज़िंदगी आपने नहीं जीनी। तो आपके जो भी ज़िंदगी के सवाल हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना एंड आपके पास ही उसके आंसर्स हैं। तो जितना आप अपने आप से डिवाइन से कनेक्ट होंगे, उसका सोल्यूशन या उसका सुकून या वो पीस, वो एनर्जीज, वो जो आप अपने आप को ही रिचार्ज करना चाहते हो, वो आपको रियलाइज़ होगा कि लोगों से बात करके, लोगों को बता कर या लोगों की मदद मांग कर नहीं होगा, मुझे खुद के साथ बैठना होगा और आपके पास ही उसका सोल्यूशन है। तो इट्स बेटर कि एंड ऑफ द मंथ में, स्पेशली एक बहुत ही प्राइम टाइम होगा, न्यू ईयर भी शुरू हो रहा है एंड आप अपनी लाइफ को रिव्यू भी करोगे, साल को रिव्यू करोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तो ज़रूर ट्राई टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। जैसे यहाँ पर ये पर्सन अकेला शांति से अपने केव में बैठा है, दुआ मांग रहा है, वो उस दुआ उसकी पूरी, उस पर वो दिव्य कृपा आ रही है, ये वो वाली वाइब्रेशंस की मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये देखा जा रहा है। आगे भी देख लेते हैं ना गाइडेंस क्या आ रही है। सो देखो, पैसे के मामले में ग्रोथ है, सीधी सीधी बात अगर मैं कहूँ, करियर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, हेल्थ इज़ गुड, लव रिलेशनशिप ऑलमोस्ट न्यूट्रल का जाए हैं, ना कुछ बहुत अच्छा ना कुछ बहुत बुरा, ये वाइब्रेशंस अभी तक चल रही हैं रिलेशनशिप्स में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, सो ये एक अपने आप में कार्ड है दैट यू नो कि आपको एंजल्स मैसेजेस कह रहे हैं दैट यू नो जो भी आप अपने लिए सोच रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, यू नो बी कॉन्फिडेंट, आपके लिए जो सपना आपको आया है, जो सपना आप चाहते हो, जो सपना आप देख रहे हो, उसकी कोई वजह और कारण है कि आप वो देख रहे हो। यू नो कभी भी किसी को अगर लाइफ में पुलिसमैन बनना है तो उसको कभी भी पायलट बनने का ज़्यादा सपने नहीं आएंगे, लाइक उसको डिज़ायर नहीं होगा वो, ठीक है। एंड तो इसलिए कई बार कहते हैं कि जो आपका इंटेंशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपको अट्रैक्ट करता है, जो आपको पसंद है, उसका कोई ना कोई कारण होता है, तो ज़रूर उस पर आगे काम करते रहिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके लियो, सो आई होप इस रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए शुभ रहे, पॉजिटिव रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।